सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर में 25वां ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां आई है, विदेशों से लोग आए हैं, लेकिन दुनिया की सबसे मशहूर गज़ल गायिका आदरणीय पिनाद मसानी जी भी यहाँ पर पहुँची हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि 25 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई उस समय भी आप यहाँ पर पधारी थी। जाजोदिया परिवार से आपका जो पारिवारिक संबंध है इसलिए एक भक्त के रूप में यहाँ पर आई हैं और बहुत सरलता के साथ सभी कार्यक्रमों में भाग ले रही हैं। और एक वैसे भी कहा जाता है कि जो कलाकार होते हैं वो बहुत सरल हृदय होते हैं, और आज मैंने इनके रूप में देखा है क्योंकि आप पूरी दुनिया के लोग इनको सुनते हैं और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आपकी गज़लें और आपके साक्षात्कार हुए हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ और बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है, मिलते रहते हैं हम, 10 साल पहले भी मिले, 25 साल पहले भी मिले, और इस पावन धरती पर राजस्थान वैसे भी पावन है, सुजानगढ़ और ख़ास तौर से वेंकटेश्वर बालाजी की 25वीं सालगिरह कह सकते हैं उसमें मैं यहाँ आके मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुजानगढ़ है कलाकारों की धरा है, खेमचंद प्रसाद, खेमचंद प्रकाश जी और दिलीप सेन, समीर सेन जी, और कितने हस्तियाँ, कितने आर्टिस्ट इस धरती से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। ऐसी धरती पे आके मुझे भी बहुत सौभाग्य महसूस होता है। ख़ास तौर से झजोड़िया जी के परिवार से मेरा एक पारिवारिक संबंध है, और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं चाहती हूँ कि 50वीं सालगिरह पे भी हम सब इसी तरह से हंसी खुशी मिले। बिल्कुल, कितना अच्छा मांगलिक बात मुख से निकाली है कि हम सब स्वस्थ रहेंगे, 25 वर्ष और जिएंगे तो पुनः भगवान के 50वें यानी गोल्डन जुबली के अवसर पर भी हम सब शामिल होंगे। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने गायन के क्षेत्र में कदम कब रखा पहली बार? मेरे पिताजी को गाने से बहुत लगाव रहा है, मरहूम डॉली रुस्तम जी मसानी, तो मुझे लगता है उन्हीं से मुझे शौक हो गया और मैंने भी गाना सीखना शुरू किया। और उसके बाद हमारे बहुत माननीय संगीतकार जयदेव जी रहे हैं जी। तो जयदेव जी की बदौलत मैं, मेरी गुरु जिनकी बदौलत मैं गज़ल से मिली, मधुरानी जी से मिली जी। और जब मैं मधुरानी जी, जो कि बहुत ही एक बहुत अजीम कलाकार हैं, जब उनसे मिली तब मैंने गज़ल का ये खूबसूरत सफ़र मैंने शुरू किया। पहला एल्बम निकला 1981 से, और आपके सामने जैसे भी है सब भगवान की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से मैं गाती हूँ। आपने अब तक कितनी गज़लें गाई हैं? अरे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी एल्बम्स निकले, 28-30 एल्बम्स तो निकले हैं। इतनी खूबसूरत सफ़र 81 से लेके, चलिए भगवान जब तक उनकी मर्जी है तब तक गाएंगे। मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहूँगा कि आपकी प्रिय गज़ल की कुछ लाइनें गुनगुनाएं हमारे कैमरे पर। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे, तन्हा तन्हा। सवाल करना चाहूँगा कि आप, भगवान ने आपको बहुत सुंदरता भी दी, कभी दिमाग में ही नहीं आया कि मुझे फिल्मों में जाना चाहिए? नहीं, मुझे कहा तो गया था, टीवी सीरियल तो मैंने किया था यश चोपड़ा जी के लिए। अच्छा। लेकिन वो बनी नहीं, और मुझे अभी भी याद है मैं आरडी बर्मन पंचमदा के गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी देवानंद की फिल्म के लिए जी। हम नौजवान जी। तो तब देव साहब ने मुझे कहा था कि पिनाज आप स्क्रीन टेस्ट क्यों नहीं देते, लेकिन उस वक्त मैं बहुत कम सिन थी, मैंने गाना ही शुरू किया था, तो मेरे पिताजी को लगा कि अगर ये भी करेंगे वो भी करेंगे तो ना तो वो अच्छा कर पाएंगे ना तो ये अच्छा कर पाएंगे, इसलिए मैं गाने के ही क्षेत्र में रही। यानी दोनों का इंस्पायर नहीं करना चाहती। तो वो कौन सा गाना था जो आपने उसमें गाया था? वो पंचमदा का एक गाना था, बेबी ताबू पे पिक्चराइज हुआ था, किशोरदा के साथ था जी। वो लाइन थी, यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान, तू जहाँ मैं वहाँ, यू आर माई डार्लिंग,
तू है मेरी जान, तुझसे सुंदर कोई है कहाँ। ओ ओ ओ ओ यू आर माय डार्लिंग, तू है मेरी जान। ये गाना था बेबी ताबू और देवानंद जी के पिक्चर। आप अपना आदर्श गायक किसको मानती हैं? वैसे तो सब बहुत अच्छे हैं, मेरी गुरु मधुरानी जी, फरीदा खानम जी, लता जी, सब बहुत अच्छे हैं। रफ़ी साहब मेरे फेवरेट है। जी, जी, जी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाती है। लता जी का भी कोई गीत दो लाइन। अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सब को सम्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। इना जी, एक दौर था जब गजलों का बहुत अच्छा पीरियड चला था, आप की गाती थी उस समय, जगजीत सिंह जी, हाँ जगजीत सिंह जी भी गाते थे, उसके अलावा अनूप जलोटा जी के बहुत सारी गजलें चली थी। आज जी सब बड़े अच्छे कलाकार हैं और आज भी गाते हैं। युवाओं में आजकल रुझान है गजल है? जब भी हम कॉलेजेस में जाते हैं आज भी लोग सुनते हैं गज़लों का प्रोग्राम, और गज़ल उर्दू ज़बान की एक बहुत खूबसूरत ब्रांच ऑफ म्यूज़िक है, तो ये हमेशा रहेगी, ये हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, तो जब तक हम है, ज़िंदगी है, तब तक गज़ल रहेगी। ना जी, गज़लों में बहुत खूबसूरती होती है और ज़िंदगी की जो कहते हैं सच्चाइयाँ भी होती हैं, लेकिन आजकल जो गाने चलते हैं फूड टाइप के, उनको सुनकर आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आपने इतना अच्छा गाया? नहीं, ऐसे आज भी, उस वक्त भी ऐसे गाने थोड़े से होते ही थे फिल्मों में, ज़्यादा है, लेकिन जो भी है आज भी अच्छा गाना तो आज भी बनता है, और बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं और गायक कलाकार हैं, पर हाँ हमारा जो गाना बजाना है वो ज़िंदगी की एक परछाई है, तो जिस तरह से लोग बदलते हैं, ज़िंदगी बदलती है, उस तरह सोच विचार बदलते हैं, और जब सोच बदलेगी तब गाना भी बदलेगा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे अच्छे लोगों को सुने, हमारे जो बुज़ुर्ग कलाकार हैं उनको, उनसे हम प्रेरणा हासिल करें और अच्छा गाएं बजाएं, अच्छा सुने तो अच्छा गाएंगे। ना जी, महिलाएं या कोई भी हो अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, आप अपने गले को बनाए रखने के लिए भी कुछ खास ध्यान रखती हैं? वो तो कोशिश तो करनी ही चाहिए, रियाज़ करना चाहिए, ज़्यादातर ठंडा पानी वगैरह खाती, सब कुछ हूँ तीखा, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन हाँ, और मन अच्छा, शांत स्वभाव, आज की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं पहले के बनिस्बत, जैसे हमारे माता पिता बड़े संतुष्ट थे, कम था लेकिन खुश थे, आजकल इतनी होड़ लगी हुई है, इतने लोग आपस में इतनी होड़ करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा पैदा हो जाता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मन शांत रहेगा और हम अपने अटूट रहेंगे अपने विश्वास पे, और खुदा को हम अपना सब कुछ मान के, कहते हैं ना फियर ऑफ गॉड होना चाहिए, तो सब ठीक होता है, तो यही कोशिश करती हूँ, और हर मुसीबत, जैसे मैंने कहा मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चली गई, निभाती चली गई, और हर फिक्र को आप, हाँ मैं सिगरेट तो नहीं पीते, लेकिन हर फिक्र को उड़ाते रहिए, भगवान है, अगर अच्छाइयाँ भगवान ने दी हैं और हमने स्वीकारा, तो अगर कोई बुरा वक्त भी आता है उसको भी हमको झेल के लेना है, कि भैया कि खुदा भगवान आप भी हमारी नैया पार करा दें, और खुश रहना चाहिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत, बहुत अच्छा लगा आपसे, और एक बार हम आपका इंटरव्यू लेंगे अब पक्का। कितने सालों से आपको देखते हैं यहाँ, और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम संचालित किया, तो बस आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुजानगढ़ के सभी वासियों को और लोगों को मेरा बहुत बहुत नमन, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे, और बहुत बहुत आप खुश रहिए। ना जी, अब हमारे दर्शक पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया आपके इंटरव्यू को देखेगी, उन सबके लिए कही। आप सबके लिए मेरा प्रणाम, और आपने जिस तरह से मुझे हमेशा सराहा है, जिस तरह से हौसला अफजाई और मेरी कदरदानी की है, हमेशा वो बना रहे, धन्यवाद। देखिए पिनाक जी क्या जितना सुंदर रूप है उतने सुंदर विचार भी हैं, कितनी अच्छी बात कही है कि हम भगवान में विश्वास रखें, अच्छा करें, सबके लिए अच्छी सोचें और तनाव मुक्त रहें, क्योंकि लोग आज के ईर्ष्यालु हो गए हैं, दूसरों की अच्छाई से दूसरों की खुशी से जलते हैं। अगर ये भाव मन में नहीं रखेंगे, सबके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, तो सुंदरता भी बनी रहेगी और आपका सब कुछ मंगल होगा। ये बहुत सुंदर विचार पिनाक मसानी जी के सुनने को मिले हैं। मेरा सौभाग्य कि आज वेंकटेश्वर मंदिर के ब्रह्मोत्सव में 25वें ब्रह्मोत्सव पर पधारने पर आज में साक्षात करने का अवसर मिला है, और मेरे लिए भी आपने मंगल कामना की, तो मैं भी आपके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप ऐसे स्वस्थ रहें, ऐसे सुंदर बने रहें और इतना अच्छा गाते रहें हमेशा, ये आपके लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी कैमरामैन मोहसिन के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।